नमस्कार दोस्त, आई एम शिवम। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल वैष्णो रानी पर। तो आज हम चलेंगे नावपुर क्षेत्र में, जितने भी मंदिर है दर्शन करवाएंगे। हमारे साथी हैं प्रणव सर और बलदेव जी। तो ये हमारे प्रणव सर, हाय एवरीवन, और ये हमारे बलदेव जी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नावपुर क्षेत्र में, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सो गाइस, हम आ चुके हैं नावपुर बॉर्डर पर, पोस्ट थाना गद्दी, सरंगवा पोखरी, किराकत, जौनपुर। ये देखिए थाना गद्दी मार्केट के लिए रोड गया हुआ है, और ये सिंदूरा मार्ग वाराणसी। तो आज हम आप सभी लोग को दर्शन करवाएंगे महाशक्ति पीठ आदिशक्ति वैष्णो रानी धाम परम पूज्य रमेश गुरु जी। ये देखिए जो आप सभी लोग को पोखरी दिख रही है, सरंगवा माता का है, बहुत ही ऐतिहासिक है। तो चलिए आप सभी लोग को माता रानी का दर्शन करवाते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ आप लोग। जय माता दी दोस्तों। तो हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर तहसील किराकत के अंतर्गत नावपुर स्थान पर, सरंगवा पोखरी पोस्ट थाना गद्दी, महाशक्ति पीठ आदिशक्ति वैष्णो रानी धाम परम पूज्य रमेश गुरु जी। तो ये माँ वैष्णो देवी का प्रतिमा है, महाशक्ति पीठ माँ वैष्णो देवी धाम। तो 40 साल पुराना मंदिर ये है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। माँ वैष्णो देवी का महिमा अपरंपार है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने। ये माता रानी का चरण पादुका है। आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर आइए, आपका हर मनोकामना पूरी जरूर होगा। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने। यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने से आपका सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग आइए, माँ का दर्शन करिए, जो कि जौनपुर तहसील किराकत के अंतर्गत नावपुर में है, सरंगवा पोखरी पोस्ट थाना गद्दी। और आप सभी लोग को हम बता दें, माँ वैष्णो देवी की कृपा से ही हमारा YouTube चैनल चल रहा है। इन्हीं के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पड़ा है वैष्णो रानी। तो माता रानी आप सब पर कृपा बरसाइए रहिए, और आपके कोई भी दुख हो सारे दूर हो जाएंगे। तो आगे हम चलेंगे, अभी बहुत सारे मंदिरों को आप सभी लोग को हम दर्शन करवाएंगे। हमारे नावपुर क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं। जय माँ वैष्णो देवी। तो दोस्तों हम चलेंगे दीनदयाल बाबा के स्थान पर नावपुर, आप सभी लोग को हम दर्शन करवाएंगे दीनदयाल बाबा जी का। दोस्तों मैं आ चुका हूँ दीनदयाल बाबा के स्थान पर नावपुर क्षेत्र। इनका पहले रूप कटीले वृक्ष में था, अब पीपल के पेड़ में प्रवेश हो चुका है। बहुत ही जागता हैं बाबा। चलिए तो आप सभी लोग को हम दीनदयाल बाबा जी का दर्शन करवाते हैं। जय हो दीनदयाल बाबा, कल्याण करिए सभी ग्रामवासियों का, सभी लोग का। यहाँ पर सुंदरकांड भी होता है, पूजा होता है। यहाँ पर गांव के सभी महिलाएं बहनें दर्शन करती हैं बाबा जी का, पूजा अर्चना होता है, बहुत ही जागता है और बहुत ही शांति एरिया में है
बाबा जी का स्थान। यहाँ पर कोई भी मन्नत हो पूरा आपका जरूर होगा। दीनदयाल बाबा के स्थान पर नावपुर क्षेत्र सभी ग्रामवासियों पर कृपा बरसाए रहते हैं बाबा जी। जय माँ भगवती। बहुत ही शांति एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष भी लगाए गए हैं, आंवला के हैं, अमरूद, फल, आम। यहाँ पर सभी ग्रामवासियों आते हैं दर्शन करने दीनदयाल बाबा जी का, जो कि हमारे क्षेत्र नावपुर में ही है, बहुत ही जागता है। तो ऐसे कृपया बरसाते रहिए दीनदयाल बाबा जी। जय हो दीनदयाल बाबा। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अभी काफी मंदिरें दर्शन करवाएंगे, तो चलिए चलते हैं। दीनदयाल बाबा की जय। दीनदयाल बाबा की जय। दीनदयाल बाबा की जय। तो हम आ चुके हैं शंकर भगवान के मंदिर पे, नावपुर के दर्शन करवाएंगे। देखिए शंकर जी का मंदिर है। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों ये हमारे ग्राम नावपुर का बहुत ही प्राचीन स्थान है, शिव जी का कम से कम 500 साल पुराना। ये हमारे ग्राम नावपुर क्षेत्र में पोखरे के बगल में ही शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। चलिए आप सभी लोग को हम दर्शन करवाते हैं शिव जी का। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा, कल्याण करिए सभी का। बहुत ही प्राचीन स्थान है शिव जी का, जो कि उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर तहसील केराकत के अंतर्गत नावपुर ग्राम में है, कम से कम 500 साल पुराना। शिव जी बहुत ही जागता है, सभी का कल्याण होता है। यहाँ पर गांव की सभी माताएं बहनें आते हैं दर्शन करते हैं। माँ इनके दर्शन करने से सबका दुख दूर हो जाता है, तो आप लोग एक बार आइए दर्शन करिए। हर हर महादेव। दोस्तों ये हमारे ग्राम नावपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और हमारे गांव में बहुत बहुत प्राचीन मंदिरें हैं। यहाँ पर हर 100-100 मीटर पर एक एक मंदिर है। हमारे ग्राम नावपुर में बहुत सारे मंदिरें हैं। और तो अब हम चलेंगे राजेपुर गाँव में, वहाँ पर भी एक शिव जी का मंदिर है, ये सिंदूरा रोड गया हुआ है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए आप लोग, आप वीडियो का आनंद लेते रहिए। हमारा गांव संस्कृति शिक्षा से भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी मंदिर है, और ये जो सामने दिख रही है पुरानी हवेली है, बहुत ही पुराना कुआं है। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए आप लोग और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों ग्राम नावपुर में एक और माता जी का स्थान आ चुका है, महामाई दाई का। जय माँ, कल्याण करिए सभी का। तो ऐसे ही हमारे ग्राम नावपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, सभी देवता देवताओं का। तो आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों हम ग्राम नावपुर मिर्चिया में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग को राजेपुर में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर आप सभी लोग को हम दर्शन करवाएंगे शिव जी का। देखिए कितना सुंदर वातावरण है, चारों तरफ हरियाली, पेड़ लगाओ वातावरण बचाओ। खेतों में हरियाली ही हरियाली, जैसा लग रहा है आपस में सब बातें कर रहे हो। वाओ मिट्टी मुस्कुराएगी। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहिए। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब
जब करना हो हमसे प्यार हमारी गली आ जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गली आ जाना। दोस्तों, ये ग्राम नावपुर राजेपुर का ही क्षेत्र है। ये देखिए आम का बगीचा। हम लोग गर्मियों के मौसम में आते थे, खूब आम तोड़ रहे थे, इंजॉय करते थे। तो चलिए हम शिव जी के धाम चलेंगे, जो शंकर जी का है, बहुत ही प्राचीन स्थान है भोले बाबा का। बस आ चुके हैं हम लोग उनके धाम पर, कुछ ही दूरियाँ हैं। हर हर महादेव। तो हम आ चुके हैं राजेपुर गांव में। ये देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है शंकर जी का। हम आप सभी लोग को दर्शन करवाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आप सभी लोग वीडियो मिस मत करिएगा। अभी बहुत सारे स्थान के दर्शन करवाएंगे आप सभी लोग को। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये शिव जी का मंदिर है बहुत ही प्राचीन। तो आप सभी लोग को मैं रूबरू करवा दूँ इस क्षेत्र से। ये ग्राम राजेपुर है, नावपुर क्षेत्र। आप सभी लोग को हम बता दें कि ग्राम नावपुर नौ गांव मिलकर बना हुआ है, इसे नौपट्टी भी कहते हैं। तो देखिए चारों तरफ खेतों में हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। तो हमारा ग्राम नावपुर में बहुत सारे मंदिरें हैं, बहुत सारे देवता देवताओं का। तो आप लोग एक बार आइए हमारे ग्राम में, घूमिए नावपुर। आप दिन भर घूमते घूमते थक जाएंगे, बहुत बड़ा है नावपुर। तो चलिए आप सभी लोग को मैं शिव जी का दर्शन कराता हूँ। ओम नमः शिवाय। सभी गांववासियों को प्रणाम और नमस्कार। हम लोग आए हैं इस समय राजेपुर के बहुत ही प्राचीन शंकर जी के मंदिर में। और यहाँ पे कहा जाता है कि मात्र दर्शन करने मात्र से लोगों का जो दुख होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, भोले बाबा का निर्माण सभी गांववासियों के द्वारा किया गया है, जो कि राजेपुर में रैना सिंह के लड़के के द्वारा ये किया गया है, अगर मेरी जानकारी सही हो तो। सन 1970 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। तब से अब तक यहाँ पर महाशिवरात्रि को और आए दिन हर सोमवार को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और लोग ये कहते हैं कि इसके दर्शन करने मात्र से लोगों का क्या होता है, पाप मुक्त हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी दूर दराज से हैं, एक बार आप इस नावपुर गांव में आइए और आप यहां पे इस भोले बाबा का आप दर्शन करिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बताया गया कि बहुत ही प्राचीन स्थान है शिव जी का, करीबन 50 साल पुराना। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने। आप लोग भी आइए। ये देखिए हमारे इस मंदिर के स्थानीय निवासी हैं, जो इन्हीं के संरक्षण में मंदिर का देख रेख होता है। तो भैया कृपया अपना आप नाम बताएं। शंकर सिंह।
आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं और ये मंदिर कब से है? मेरी जानकारी में 50 साल के ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ये है, इसको आप कब से देख रहे हैं, मतलब आप अपने बचपन से ही इसको देख रहे हैं? बचपन से ही। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे दर्शन करने से आपको कभी या इस गांव में काफ़ी लाभ हुआ है? फायदा तो होता ही है। जी जी, फायदा तो ये हाँ हाँ हाँ, जैसा कि हमारे साथ पंकज भैया इन्होंने बताया कि यहाँ पे दर्शन करने से सबको बहुत ही फायदा होता है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी लोग को हम शिव जी का दर्शन करवाएं। अब हम चलेंगे श्री टुकलियाबीर बाबा के स्थान पर, नावपुर में ही अपने क्षेत्र में है, बहुत ही जागता है श्री टुकलियाबीर बाबा। तो चलिए आप सभी लोग को वहां पर दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, बस हम लोग टुकलियाबीर बाबा के स्थान पर पहुंचने वाले हैं, झूला वनस्पति फैक्ट्री के बगल में ही, बगल में पेट्रोल पंप भी खुला हुआ है, तो आप सभी लोग को हम टुकलियाबीर बाबा का दर्शन करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं श्री टुकलियाबीर बाबा के स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर तहसील केराकत के अंतर्गत नावपुर में टुकलियाबीर बाबा का स्थान है। बहुत ही प्राचीन है, हजारों साल पुराना, इनकी महिमा अपरंपार है। ये देखिए, सिंधोरा बनारस के लिए रोड गया हुआ है और ये नावपुर थाना गद्दी मार्केट होते हुए केराकत जौनपुर, यह टुकलियाबीर बाबा का स्थान जो कि बरगद के रूप में है। बहुत ही प्राचीन है, इनका महिमा अपरंपार है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं टुकलिया बाबा का दर्शन करने। आपका कोई भी मन्नत हो पूर्ण जरूर होगा, आप लोग एक बार यहाँ पर आइए, दर्शन करिए, बहुत ही निराला रूप है इनका। जय हो टुकलियाबीर बाबा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गड़खड़ा न्यू मार्केट, ये देखिए थाना गद्दी के लिए रोड गया हुआ है। तो हम चलेंगे नावपुर पश्चिम पट्टी, माँ दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पर आप सभी लोग को हम दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो मिस जरा सा भी मत करिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ आप सभी। तो दोस्तों, हम चलेंगे ग्राम नावपुर पश्चिम पट्टी, माँ दुर्गा जी का एक मंदिर है, वहाँ पर आप सभी लोग को हम दर्शन करवाएंगे। हमारे ग्राम में सभी देवता देवताओं का स्थान है, मंदिर है। ये देखिए, एक न्यू मंदिर बन रहा है, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं ग्राम नावपुर पश्चिम पट्टी में। गांव में रहने का कुछ अलग ही मजा रहता है, प्रकृति का सुंदर वातावरण आनंद लेते हुए। गांव में रहने का कुछ अलग ही मजा रहता है, खेलना कूदना। बचपना कब बीत गया पता ही नहीं चला। दोस्तों हम आ चुके हैं नावपुर पश्चिम पट्टी में। दुर्गा माँ का मंदिर है, दर्शन करवाएंगे आप सभी लोग को। बजरंग बली का है, राम जी का है, सभी देवता का है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जय माता दी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं धाम में, इसे पंच धाम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर तहसील केराकत के अंतर्गत नावपुर पश्चिम पट्टी में माता जी का मंदिर है, जहां पर सभी देवताओं का स्थान है। तो आप सभी लोग को दर्शन करवाएंगे। ये देखिए कृष्णा राधा जी का मूर्ति है, बहुत ही मनमोहक छवि है। जय कृष्णा राधा, कल्याण करिए सभी का। जय हो बजरंग बली। देखिए बजरंग बली का प्रतिमा है। और देखिए यहाँ पर शिव जी का स्थान है, हर हर महादेव। जय भोले बाबा, कृपा ऐसे ही बरसाते रहिए सब पर, अपने सभी क्षेत्रवासियों पर दया दृष्टि बरसाते रहिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माँ, कल्याण करो सबका। माता रानी का बहुत ही मनमोहक छवि है। ये मंदिर कम से कम 10-15 साल पुराना है। जय माँ। ये देखिए भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और बजरंग बली का प्रतिमा है। जय हो, जय श्री राम। ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए सब पर। अष्टभुजी माई बड़ी दयालु, त्यूपुरवा अस्थान हो। गंगा तीरे बड़ी शीतला, वतन के राज्य मान हो। कुटवा बाजार चल मुक्तिनाथ मंदिरिया, गंगा किनारे मंगला माई को अठरिया। कुटवा बाजार चल मुक्तिनाथ मंदिरिया, गंगा किनारे मंगला माई को अठरिया। दर्शन कर अब कर चोरी के, चुनरिया ओढ़ी के, चुनरिया ओढ़ी के। दोस्तों आप सभी लोग को कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये पश्चिम पट्टी का मंदिर था पांच धाम,
हम लोग को यहाँ पर आकर मन को बहुत शांति मिला। ये देखिए वहाँ का क्षेत्र है, बहुत ही शांति इलाका है। तभी बहुत सारे मंदिर हैं हमारे क्षेत्र में, तो चलिए एक और मंदिर है वहाँ पर हम लोग चलते हैं। जय माता दी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं नावपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर तहसील केराकत के अंतर्गत नावपुर में माता रानी का स्थान है। ये हमारे नावपुर क्षेत्र है। तो चलिए आप सभी लोग को हम दर्शन करवाते हैं माता जी का। जय माता दी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं नावपुर क्षेत्र में। ये देखिए मंदिर नावपुर गाँव का है। इसकी स्थापना सन 2005 में हुआ था। यहाँ पर हर साल भंडारा होता है 20 मई को। यहाँ पर सुबह शाम पूजा अर्चना होता है माता रानी का। बहुत ही मनमोहक छवि है माता रानी का। यहाँ पे ग्रामवासियों सभी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं। आप लोग भी यहाँ पर आइए, दर्शन करिए। बहुत ही शांति इलाका है। जय माँ, आपके कोई भी दुख हो सारे दूर हो जाएंगे माता रानी के मात्र दर्शन करने से। जय माता दी, सभी लोग का कल्याण करिए। माई हो कैलू गजबे सिंगार रूपवा मनवा मोहेला। दोस्तों आप सभी लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।